शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु यादव के द्वारा हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन कोठी मीना बाजार स्थित उनके हॉस्पिटल पर किया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु यादव ने बताया कि हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। हमारा हृदय एक दिन में लगभग 1,00,000 बार एवं एक मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। हृदय की मांसपेशियां जीवंत होती हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए आहार और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब एक या ज्यादा आर्टरी रुक जाती है तो हृदय की कुछ मांसपेशियों को आहार और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस स्थिति को हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा कहा जाता है। इस सिलसिले में कुछ लोगों को भ्रम भी हो सकता है कि दिल से संबंधित और भी समस्याएं होती हैं, जैसे हार्ट वाल्व की समस्या, कंजिनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ये समस्याएं भी हृदय रोग से संबंधित होती हैं। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ साथ कई तरह की जांच भी निःशुल्क की गई। साथ ही इस दौरान महंगी जांचों को भी आधे से कम रेट पर किया गया। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक मेगा हार्ट कैंप का हमने आयोजन किया है, जिसमें हमने बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पेशेंट्स को मुहैया कराई हैं, जैसे कि फ्री ECG, हर पेशेंट का फ्री कंसल्टेशन, ECG, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और NT-proBNP और ECO-TMT हमने काफ़ी निम्न दरों पे उनको उपलब्ध कराया है। तो आज सुबह 9 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, मैं पेशेंट देख रहा हूँ और लगभग 70 पेशेंट हम देख चुके हैं और अभी 30-40 पेशेंट्स अभी और बचे हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आए, एटा, इटावा, मैनपुरी। मरीजों ने भी इस कैंप का लाभ उठाया। इस चिकित्सा शिविर के दौरान 100 से अधिक OPD की गई। इस दौरान डॉक्टर हिमांशु यादव ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के चिकित्सक शिविरों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। लक्ष्मी, C News, आगरा।